सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा वीडियो पर देख सकते हैं, ये हमारा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विड्रॉ फॉर्म है। आप इसे फिल करके अपना बैंक में जमा करके अपना बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप अपना स्टेट बैंक जाते हो अपना बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए, तो इस फॉर्म को फिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करोगे तो आपको बैलेंस विड्रॉ करने नहीं देंगे। सो गाइस, बहुत से लोग को ये फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है, बिना फिलअप करे आपको बैलेंस विड्रॉ करने नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करेंगे बिना गलती किए। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, तो पूरा डिटेल बताऊँगा कि आप बैलेंस विड्रॉ करने के लिए इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डेट डालना है, जिस डेट में आप बैंक जाते हैं अपना बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर आपको डेट डालना होगा। तो उसी डेट को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाम है, आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। जो आपने बैंक अकाउंट में अपना नाम डाला हुआ है, सेम उसी नाम को यहाँ पर डालना होगा। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर आपको नाम को सही लिखना है, जिस तरह आपने बैंक में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, मैंने अपना बैंक का अकाउंट डाला हुआ है, आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। तो आपको अपना अकाउंट नंबर सही सही से फिल करना होगा। जो आपका अकाउंट नंबर है उसी अकाउंट नंबर को यहाँ सही सही से आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, मैंने यहाँ पर अपना अमाउंट डाल लिया, मुझे 2000 विड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पर 2000 लिख लिया। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम लिख लेना है, मैंने अपना ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख लिया, ब्रांच का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, मैंने यहाँ पर अपना जो विड्रॉ करने के लिए बैलेंस का अमाउंट डाला हुआ है, तो यहाँ पर अंकों में डाला हुआ है, आपको यहाँ पर उसके बाद शब्दों में भी डालना है। मैंने यहाँ पर 2000 रुपये डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 2000 रुपये मैंने शब्दों में डाला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना होगा, आप चाहे तो पैन नंबर डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि आपने अपना अकाउंट ओपन कराते वक्त अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें अपना पिन नंबर को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल नंबर देना ही होगा, चाहे तो नहीं देंगे फिर भी चलेगा, बट आप दे सकते हैं। SMS भी आ सकता है, और SMS तो वैसे भी आता है अगर आपने लिंक कराया होगा अपना मोबाइल नंबर को। तो उसके बाद अपना होम ब्रांच का नाम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना साइन कर लेना है, जिस तरह से आपने अपना बैंक अकाउंट में साइन किया है सेम उसी तरीके से आपको साइन करना होगा। सो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।